प्रिय भारत के लोगों, ये देश आपका है, ये देश के लोग आपके हैं। इनकी सुख समृद्धि और इनके जीवन में उत्साह, उमंग, जोश, इनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना हम सबों का फर्ज है। हमारे देश का मान सम्मान, स्वाभिमान और इस देशवासियों का मान सम्मान स्वाभिमान बरकरार रहे, इसके लिए हम जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी देशभक्त हैं, सबों की ये सामूहिक जिम्मेदारी होती है। हमारा देश गुलाम रहा, लेकिन अब ये देश दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा, कि दुनिया को एक नई राह दिखाएगा कि कोई भी देश जो अज्ञानता के अंधकार में भटकते हुए, आपस में लड़ते हुए अपनी सभ्यता संस्कृति को गंवा दिया, आज वो देश प्रगति पथ पर अग्रणीय है और दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहा है। प्रिय दोस्तों, कल हमारे देश के महान वैज्ञानिक मिशन शक्ति का सफल प्रयोग किया और जिसका उद्घोषण और जिसका सिंहनाद किया इस देश का महान भक्त, देशभक्त नंद्र दामोदर भाई मोदी ने, जो सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर चलते हुए विवेकानंद के सपनों का भारत बनाने का जिसने संकल्प लिया है। प्यारे दोस्तों, ये मिशन शक्ति हमें अंतरिक्ष में असीम शक्ति दिया है, जिसके बदौलत अपनी देश की सुरक्षा को बेहतर कर सकते हैं और दुनिया के चौथे नंबर के राष्ट्र के रूप में हम प्रकट हुए हैं। पहले श्रेणी में थे अमेरिका, रूस और चीन, लेकिन थोड़ी देरी हो गई क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी, भ्रष्टाचार में लोलुप, स्वार्थ और अंधकार और ज्ञानता के अंधकार में भटकता हुआ ये सारे भ्रष्टाचारी कैसे देश को लूटें इसमें लगे थे, लेकिन किसी को भी देश की चिंता नहीं थी, इसकी सुरक्षा की चिंता नहीं थी और देश को सम्मानित करने और देश को सुप्रभु बनाए रखने के लिए जो हमारी सैनिक क्षमता और हमारा जल थल नभ में शक्ति को बढ़ाना और अब अंतरिक्ष में शक्ति को बढ़ाने की भावना नहीं थी। लेकिन इस देश का महान सपूत जो कि एक आरएसएस का प्रोडक्ट है, वहाँ केवल चित्र निर्माण की शिक्षा दी जाती है। हम जिए तो कैसे जिए, किस लिए जी रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, वो विवेकानंद के सपनों का भारत बनाने का सौगंध लेते हैं, निस्वार्थ भाव से अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देशवासियों की भक्ति और निष्ठा के लिए, उनके जीवन में सुख समता लाने के लिए अपने जीवन में अनेक कुर्बानियां देते हैं, उनके रास्ते होते हैं। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, ऊधम सिंह, लाल बाल पाल, ऐसे महान पुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए ये देश को महान बनाने का संकल्प लिया है। प्यारे दोस्तों, हम इस भारतवर्ष के जितने भी युवा पीढ़ी हैं उनसे ये अनुरोध करता हूँ कि देश आपका है, इस देश के लोग आपके हैं, आप में निस्वार्थ भावना से इनकी सेवा करने की प्रवृत्ति जगनी चाहिए और इसके लिए कुछ संस्थान ऐसे हों, जैसे कि एक अत्यधिक उत्तम संस्थान है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो हर हिंदुस्तानी को अपने देश के प्रति निष्ठा की भावना जब पैदा करता है, हर भारतीयों के लिए एक संकल्प दिलाना चाहता है कि आप हो न हो, ये देश रहे, ये देश के लोग रहें, भले वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी क्षेत्र के हो, लेकिन हमारी पहचान होती है कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये देश हमारा है, ये देश के लोग हमारे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि रक्त श्वेत अश्रु से इस देश की रक्षा करें। कभी भी हम रुके नहीं, कभी भी हम थके नहीं, कभी हम झुके नहीं और कभी हम कुछ किसी से नहीं मांगे। इस सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मांगिए मत, आप एक दरिद्र की तरह, एक भिखारी की तरह हमेशा लेने लेने की बात मत सोचिए, हमेशा देने की बात करिए। दिल दिया है जहाँ भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। तो शक्ति मिशन इसका संकेत है कि हमारा भारत सुरक्षित है, हमारे भारत के जो लोग हैं वो अपने लिए नहीं जीते हैं, देश के लिए जीते हैं, देशवासियों के लिए जीते हैं और उनका जीना यहाँ, मरना यहाँ, तेरे बिना ये भारत
ये भारतीय जाना कहाँ, इस भावना से हम देश का उत्थान कर सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं और देश का नवनिर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद, मुबारक हो हमारे हिंदुस्तानी, हमारे भारत की बहनों और भाइयों, बेटी और बेटों, आपके लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण है। हम शांति के पुजारी रहे हैं, हम कभी दूसरे पर अपना अधिकार जमाते नहीं, लेकिन हमारी सुरक्षा है कि हम समृद्ध रहें, शक्तिशाली रहें। अगर हम कमज़ोर रहेंगे तो जो भेड़िए हैं, दारिंदे हैं, वो हमें फिर से गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे और हमारी आज़ादी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए हमको सबके साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना जगाते हुए, आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना पैदा करते हुए हमें सुसंगठित होना है, सशक्त होना है, समृद्ध होना है। आपका जय हो, आपका कल्याण हो और ये मिशन शक्ति आपको मुबारक हो। धन्यवाद।